खबर 24 न्यूज, सच वही जो दिखेगा। चितरंजन रेलवे कर्मचारियों ने डीए ना मिलने के कारण किया विरोध प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल चितरंजन रेलवे कर्मचारियों ने एक बार फिर केंद्र सरकार के विरोध में लगभग 1500 पोस्ट कार्ड प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजा। चितरंजन रेलवे कर्मचारियों ने बताया कि 1964 में केंद्र सरकार के द्वारा रेल कर्मचारियों के हित में पेंशन और डीए सहमति से पास कर दिया गया था, मगर आज ना ही डीए और पेंशन सब बंद कर दिया गया है। इसलिए पश्चिम बंगाल चितरंजन रेलवे कर्मचारी ने INTUC के बैनर तले हम सभी रेलवे कर्मचारी इसका विरोध करते हुए केंद्रीय सरकार प्रधानमंत्री को उनके कार्यालय दफ्तर में 1500 पोस्ट कार्ड भेज रहे हैं। आने वाले समय में और भी भेजा जाएगा। आशुतोष महोदय ने 1 जनवरी से सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारियों का डीए को फ्रीज किए हैं। शायद आपको मालूम होगा कि जो है पूरे देश में रेलवे के कर्मचारी से जितने सरकारी कर्मचारी हैं वो इस लॉकडाउन पीरियड में जिस तरह से देश में अपने सेवा अर्पित किए हैं, शायद हमें लगता है कि रेलवे कर्मचारी के साथ सारे सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारियों के एवं पेंशन भोगियों के साथ नाइंसाफी हो रहा है। और इसी दरमियान में पूरे ऑल इंडिया NFIR के जो नेतृत्व हैं पूरे रेल कर्मचारी के बीच में एक पोस्टकार्ड कैंपेन चला रहे हैं, जिस पोस्टकार्ड कैंपेन के तहत में आके हम लोग भी आज चितरंजन मेंस कांग्रेस के तरफ से लगभग आज हम लोग 10,000 पोस्टकार्ड कलेक्शन करने का कोशिश किए हैं। आज हम लोगों ने 1500 डाले हैं, कल से हमारा कार्यक्रम जारी रहेगा। 10,000 पोस्टकार्ड हम लोग यहाँ से माननीय प्रधानमंत्री को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारा डीए हमको फ्रीज मत कीजिए, हमको रिलीज कीजिए, क्योंकि हम आपके साथ हैं, हम देश को बनाने में अपनी पूरी क्षमता को लगाए हुए हैं। अब्दुल कलाम की रिपोर्ट।